कराची के होनहार तालिब इल्मों ने जदीद किस्म का इनक्यूबेटर तैयार कर लिया। पाकिस्तान में इनक्यूबेटर की कमी को नजर में रखते हुए उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शोबा इलेक्ट्रिकल के तलबा ने इस कारनामे को सर अंजाम दिया है। सैयद फातिमा एजाज, मोहम्मद अहसन रजा, मिर्जा समीर अहमद और अजीज जाकिर की चार रुकनी टीम ने अपने उस्तादजा इंजीनियर सना सुहेल और इंजीनियर आतिफ फरीद की निगरानी में इस टेक्नोलॉजी को तैयार किया है, जिसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। मोबाइल एप्लीकेशन न्यूक्स केयर के जरिए बच्चे की निगरानी की जा सकती है और इसे कंट्रोल भी किया जा सकता है। अपनी खसूसियात की बुनियाद पर ये बच्चों के लिए एक अहम पेशरफ्त है, जिसकी तजारती बुनियादों पर तैयारी से पाकिस्तान में बच्चों की अमवात में कमी लाई जा सकेगी, खास तौर पर दूर दराज के इलाकों में जहां ये सहूलत मौजूद नहीं और बहुत महंगी भी पड़ती है। इस सस्ते और पोर्टेबल इंक्यूबेटर को कमर्शियल बुनियादों पर 25 से 30 हजार में तैयार किया जा सकता है। टीम लीडर फातिमा एजाज के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे आसानी से कहीं भी कैरी किया जा सकता है, चाहे गाड़ी हो या रिक्शा। इसमें मौजूद अल्ट्रासाउंड लाइट्स ईयर कान का शिकार बच्चों के इलाज में भी काम आती है। इंक्यूबेटर में मौजूद दो सेंसर्स ऑक्सीजन लेवल, दिल की धड़कन और दर्जा हरारत की निगरानी करते हैं। तिब्बी माहिरीन ने इस इंक्यूबेटर को बेहतरीन इजाद करार दिया है।